गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अब निबंध क्या होता है, निबंध की परिभाषा क्या है। निबंध की परिभाषा वह है जैसे किसी विषय पर अपने विचार को क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित रूप से प्रकट करना है। लिखी गई रचना को क्या कहते हैं, हम निबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विषय के बारे में आपको बताना है, मान लीजिए मेरा प्रिय त्योहार आ गया, दिवाली के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसको क्या लिखना है, अपने विचार क्रमबद्ध अच्छे से उसकी रूपरेखा बना के व्यवस्थित रूप से प्रकट करना या लिखी हुई रचना को क्या कहते हैं, हम निबंध कहते हैं। जैसे निबंध लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, निबंध लिखते समय हमें इस निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। निम्नलिखित जैसे उसकी रूपरेखा बनाना, जैसे हमें किसी चीज को लिखना है या किसी अपने विचारों को व्यक्त करना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले उसकी क्या रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अगर आपने उसकी रूपरेखा नहीं बनाई तो कोई चीज अव्यवस्थित लिखी जाएगी, उसका क्रमबद्ध नहीं लिखा जा सकता है। इस तरीके से एक एक बिंदुओं पर क्रम से लिखना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में बताना है तो पहले आप क्या लिखेंगे, उसकी प्रस्तावना लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उसकी विषय वस्तु लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। इसी तरीके से लिखेंगे तो किसी विषय के बारे में लिखना, किसी चीज के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने पर उसकी एक एक बिंदुओं को क्रम से लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने आपको निबंध के बारे में समझा रहे हैं तो हमने भी आपको एक एक बिंदुओं पर ठीक से लिख कर बताया ना, क्रम से लिखा है, तो उसको क्या होता है, एक एक बिंदुओं पर क्रम से लिखना। तीसरा क्या है, विचार विषय पर तालमेल होना, किसी चीज के बीच में तालमेल बैठना। मान लीजिए आप किसी चीज को समझा रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसका तालमेल नहीं बैठा तो आपका निबंध क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित। तो किसी विचार विषय पर उसका क्या होना, विषय पर और विचार का तालमेल होना। मान लीजिए आपने विषय क्या ले लिया, विद्यालय ले लिया, मेरा विद्यालय ले लिया, और आपके विचार क्या हो रहे हैं, त्योहार वाले, तो आपके विचारों को और विषय को दोनों को क्या होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए। चौथा क्या है, सरल स्पष्ट और प्रभावशाली वाक्य होने चाहिए, आपको उसकी भाषा बहुत सरल स्पष्ट जिससे किसी को समझ में आए, और प्रभावशाली किसी चीज पर प्रभाव डाले, तो कैसे वाक्य होने चाहिए, सरल स्पष्ट और प्रभावशाली वाक्य होने चाहिए। इसके बाद में आता है किसी बात को ना दोहराना। अगर आपने निबंध को मान लीजिए आपने किसी अव्यवस्थित तरीके से बढ़ा दिया तो वो क्या हो गया, आपने किसी बातों को दोहरा दिया बार बार वो चीजें, तो क्या हो गया, आपका निबंध अव्यवस्थित हो जाएगा। तो किसी बात को बार बार नहीं दोहराना है। भाषा क्या है, सरल स्पष्ट और प्रभावशाली लिखनी है। इसके बाद में आता है गलत वाक्य का प्रयोग नहीं करना है, आपको निबंध लिखने में किसी भी गलत वाक्य का प्रयोग नहीं करना है। अब इसके बाद में आता है निबंध लिखने के आवश्यक अंग क्या है। अब आपने मान लीजिए निबंध लिखा तो उसके आवश्यक अंग क्या है लिखने के, पहले आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना। तो निबंध में प्रस्तावना क्या होती है, इसे भूमिका भी कहते हैं। अब आप निबंध लिखेंगे तो इसमें विषय के बारे में उसका परिचय कराना पड़ेगा आपको। मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण लिखना है तो उसकी प्रस्तावना क्या आएगी, आपको पर्यावरण के बारे में बताना पड़ेगा, पहले आपको पर्यावरण का स्पष्ट करना पड़ेगा कि पर्यावरण होता क्या है, तभी तो आपको उसका प्रदूषण बताएंगे। तो इसके बाद में विषय पर परिचय कराना चाहिए, इसमें सामान्य बातचीत, मतलब आप निबंध बता रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं तो उसमें उसकी विषय की क्या होगी, एक विषय आपके विचार और विषय क्या है, सामान्य उसकी क्या बातचीत करनी पड़ेगी आपको सामान्य शब्दों में। इसके बाद में क्या होगा, ताकि श्रोता का जो सुन रहा है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो आप क्या सुन ही नहीं पाएंगे, आप सुनेंगे ही नहीं, तो क्या होता है, श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तो निबंध कैसा होना चाहिए, जब आप उसकी प्रस्तावना लिखिए तो उसमें आप विषय के बारे में बात करें, उसकी मुख्य विचार बातचीत से मुख्य विषय पर बात करें, इससे क्या होगा, श्रोता क्या है, आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी बात सुनेगा। इसके बाद में आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है, विषय वस्तु वह होती है, यह निबंध की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भूमिका है, भाग है,
जी विषय वस्तु, इसमें क्या होता है किसी विषय के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं किसी भी चीज पे, तो वो क्या हो गई पूरा, जिसमें पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन क्या होता है विषय वस्तु में आता है, उसके गुण दोष उसका उसकी मान लीजिए मुख्य बिंदुएं आ गई हैं किसी चीज के बारे में आप बार बार बता रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी आपकी विषय वस्तु के बारे में, यह क्या होती है बड़ी लिखी जाती है, इसमें विस्तार पूर्वक क्या होता है वर्णन किया जाता है किसी विषय के बारे में बता रहे हैं, और इसमें अनेक बिंदुओं का क्या होता है विषय पर वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है उपसंहार, उपसंहार क्या होता है, उपसंहार होता है जब हम किसी चीज की समाप्ति करते हैं किसी चीज का एंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उपसंहार, इसमें क्या लिखते हैं निबंध के धीरे धीरे क्या करते हैं समाप्ति उपसंहार कहलाती है, समाप्ति धीरे धीरे करनी चाहिए, एकदम से नहीं कि आपने एंड लिख दिया और एक शब्द में तो आपका क्या हो गया निबंध का उपसंहार हो गया, नहीं इसकी धीरे धीरे समाप्ति होती है। इसमें निबंध का क्या होता है पूरा सार दिया होता है निबंध का जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं, इसके बाद में इसके गुण दोष सुझाव निबंध कितना अच्छा होगा इसी बात पर निर्भर करता है, इस तरीके से क्या होता है निबंध का उपसंहार होता है। इसके बाद में क्या होता है अब आते हैं आपके निम्नलिखित महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, आपकी सिलेबस में कौन कौन से निम्नलिखित निबंध आएंगे, मेरा प्रिय त्योहार आप दिवाली लिख सकते हैं या होली लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण मेरा विद्यालय, इसके बाद में स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त पर, तो ये क्या हो गए आपके महत्वपूर्ण निबंध। थैंक यू।